हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक लाइक हाउ यू कैन चेक दी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। लाइक अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको चेक करना है कि उस कॉलेज की जो वो कॉलेज जो है उस कॉलेज के जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो AICTE से अप्रूव्ड है नहीं है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बस ये चेक करेंगे कि जो AICTE से जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर जिस कॉलेज में मैं इनरोल कराने जा रहा हूँ या फिर मुझे एडमिशन लेना है वो AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं है, इसे हमें कैसे करेंगे मालूम हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम AICTE की वेबसाइट पे जाएंगे। AICTE देखो, अगर आप लिखोगे AICTE तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ गया। आप अब इसकी साइट पे गए हो, AICTE-India.org। अब देखो, अब इसके आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स दिखेगा। आप स्टैटिक्स पे जाओ। स्टैटिक्स के बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स पे जाना है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर सर्च करना है ना। सपोज ये रहा 2022-23 है, तो हमने सपोज कर लो, हमने चलो 2022-23 ही चूज़ किया। सपोज अभी करंट एकेडमिक है। अब जो जो कॉलेज है आपका वो कौन से स्टेट में है, तो सपोज कर लेते हैं हम कि हम अभी चेक कर ले रहे हैं दिल्ली का, सपोज दिल्ली का। अब कौन से कोर्सेज हैं, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेक कर रहे हैं। कौन से लेवल है, यूजी पीजी डिप्लोमा कौन सा है, सपोज हमने डिप्लोमा चूज़ किया। तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बहुत सारे हैं दिल्ली में, गवर्नमेंट भी हैं प्राइवेट्स भी हैं। अब यहाँ पे हम जो है इंस्टीट्यूट टाइप है, हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी सेलेक्ट किया गवर्नमेंट, वी चूज गवर्नमेंट। नाउ वी प्रेस सबमिट बटन। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, लाइक इट मे बी अराउंड, या सो देर आर अराउंड 10 एंट्रीज, 10 पेजेस। यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 टू चेक योर कॉलेज नेम। सो आप, अगर आपको कॉलेज का नाम पता है तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पूसा पॉलिटेक्निक। ये देखो, पूसा आपने सर्च किया, ये आ गया। इसका नाम अभी चेंज हो गया है, DSEU पूसा कैंपस हो गया है ना, पहले पूसा पॉलिटेक्निक था। तो ये देख लो, ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, इसमें नाम आ गया है ना। यहाँ पे कोर्स डिटेल्स चेक करोगे तो, क्लिक करोगे तो कोर्स डिटेल्स हो जाएंगी, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो देख लो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिसकी इनटेक जो कैपेसिटी है वो 120 है। इसमें इवनिंग में भी पढ़ाई होती है, इस वजह से 120 है, 120 है। और सिविल इंजीनियरिंग हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की इंटेक बहुत कम है, मैकेनिकल की सबसे हाई इंटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल की बराबर है, सिविल की ज़्यादा है, और ऑटोमोबाइल की जो है 120 है। तो मैकेनिकल भी है, ऑटोमोबाइल भी है। तो ये उनका जो है ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसको, इनटेक कैपेसिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फैकल्टी डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके शायद आपको यहाँ से टीचर्स वगैरह के नंबर मिल जाएंगे, है ना। अब देख लो, ये सारे लेक्चरर हैं, ये लोग 2011-12 से पढ़ा रहे हैं। देख लो यहाँ पे उनकी जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी पुरानी है। मणिकांत वर्मा, कुशवाहा निखिल, गिरी गोडा, ये सारे प्रोफेसर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। और कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ यहाँ पे रेगुलर हैं। तो ये देखो, सिविल का पेपर पढ़ाते हैं ये शंजूरो। तो ये सारे फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, है ना, पूसा के उसमें। तो इनसे आप जो है, इनके इनके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सपोज कर लो कि हमें देखना है 2000, आप देख लो, हाँ, कितने साल पुराना है आप डेटा इसमें देख लो। तो सपोज मुझे 2020 का देखना है ना। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहने देते हैं, इसको हम यूजी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम गवर्नमेंट एडिट करके चेक करते हैं, सबमिट करके देखते हैं, नो मैचिंग। तो अच्छा, आप वो चेक करो, क्या नाम है स्टेट को, आप चेंज, मैं चेंज करके देखता हूँ, हरियाणा। नाउ सबमिट अगेन, नो। ओके, ये गवर्नमेंट छोड़ के ऑल करके देखता हूँ ना, इसमें शायद आ जाए। अच्छा, ये आपका ये पूसा आपको हटाना पड़ेगा। ये देखो, तो ये मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने चेक किया है ना।
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डाला, हरियाणा डाला है ना, सेलेक्ट लेवल यूजी किया, तो यहाँ पे देखो आप मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोर्स डिटेल्स है यहाँ पे, है ना। ओके तो अब देख लो यहाँ पे जो इनकी जो कैपेसिटी है वो, ये देखो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है, और सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये मैंने पहले का देखा था 19 और 19 19 20 सेशन का, लाइक 2020 का। अगर मैं इसको 2021 कर देता हूँ और फिर मैं सर्च करता हूँ तो एक मिनट, हाँ तो अब देखते हैं। ये देख लो अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल, अच्छा ये मैंने उसका देखा है, यहाँ पे दो है, ये भी देखो ये में बात है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, है ना, कोई मुश्किल नहीं है, लाइक थिंग्स आर वेरी इजी, यू गाइस कैन चेक इट। ओके तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी कॉलेज, अगर मैंने सपोज मैं यहाँ पे अभी लेता हूँ उत्तर प्रदेश, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, बट आप अपनी देख लो, आपका काम हो गया ना, आपको जो मैंने बताया प्रोसेस में, बस मल्टीपल कॉलेजेस चेक कर ले रहा हूँ, मल्टीपल स्टेट्स चेक कर ले रहा हूँ, तो ये मैं इसको डिप्लोमा करता हूँ और यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट करता हूँ, है ना, फिर मैं सबमिट करके देखता हूँ। अरे यार इसको मैं हटाता हूँ, हाँ अब देख लो आ गया। अब मुझे चेक करना है गाजियाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो गाजियाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देख लो गाजियाबाद है ना, इस पे मैंने चेक किया, तो ये देखो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये डिप्लोमा सिविल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इंफॉर्मेशन में है, इंटीरियर डेकोरेशन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन कैड, ठीक है। तो इसकी इनटेक कैपेसिटी 60-60 है, और ये जो इनरोलमेंट हो रहा है यहाँ पे वो 10-12 ज़्यादा, ये आमतौर पे होता ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे वो टीचर्स वगैरह का डेटा नहीं दे रखा है, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आइए एक बार हम चेक करते हैं जामिया का, जामिया का क्या है, तो जामिया कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, तो जामिया में भी डिप्लोमा कराया जाता है ना, तो यहाँ पे हम डिप्लोमा का देख लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, ओके लेट मी रिमूव दिस। तो ये देख लो मैंने अभी सेलेक्ट किया 2017 का, चेक करता हूँ या अभी चेक कर लेते हैं यार, 20 का ही चेक करते हैं। तो दिल्ली कर रखा है सेलेक्ट प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा गवर्नमेंट सबमिट। अब यहाँ पे सर्च कर लो आप, यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट के मैक्सिमम कॉलेजेस हैं उनका नाम आएगा, अब यहाँ पे सर्च कर लो जामिया, जामिया हाँ, तो जामिया का नाम नहीं आ रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जामिया जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो ऑलरेडी जो है वो यूजीसी से अप्रूव्ड है ना, तो यहाँ पे आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो आमतौर पे अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो यूजीसी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है AICTE से सेपरेट अप्रूवल लेना चाहिए, स्टिल इट इज़ लाइक नॉट देयर, सो इट्स वेरी मच फाइन। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं उसका कौन सा स्टेट है, कौन से एकेडमिक ईयर में आपको चेक करना है, वी कैन चेक लाइक दैट। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।